अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हार्ट टचिंग शायरी। गैर के दिल में अगर उतरना था तो मेरे दिल से तो उतर गए होते। वो हैरान हैं मेरे सब्र पर तो कह दो उन्हें, जो आंसू दामन पर नहीं गिरते वो दिल को चीर जाते हैं। काश कोई अपना हो आईने जैसा, जो हंसे भी साथ और रोए भी साथ। मोहब्बत झूठी नहीं थी तुमसे, गवाह है मेरी हर नमाज की दुआ। अपने असूल कुछ इस तरह तोड़े हमने, गलतियाँ ना थीं फिर भी हाथ जोड़े हमने। लो बैठ गए हम भी मैदान इश्क में धरना देकर, अब तुमको देना ही होगा झूठी मोहब्बत से इस्तीफ़ा। कर गया ना तुम्हें भी इश्क बर्बाद, और गीत गाओ मोहब्बत के। तुम तो अपने हो, तुम्हें दिल से निकालें कैसे, हम तो दुश्मन को भी बेघर नहीं होने देते। तुम्हारी याद की खुशबू मेरे दामन से लिपटी है, बड़ा अच्छा सा लगता है तुम्हें ही सोचते रहना। बहुत तकलीफ़ होती है जब वो नज़रों से गिर जाएं जिन्हें पलकों पे बिठाया हो। बेईमानी भी तेरे इश्क ने सिखाई थी, तू पहली चीज़ थी जो मैंने माँ से छुपाई थी। मैं अपनी नाकदरी पे रोई बहुत हूँ, मैं इतनी आम तो नहीं थी कि ठुकराई जाती। क्या कहा, मैं बुरी हूँ बहुत, तो आप फोत होकर फरिश्तों में बसेरा कर लीजिए। लावारिस कब्रों पे दुआएं कौन करता है। वो अपनी ज़ात में कुल कायनात था, दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। अयादत को मेरी आकर वो ये ताकीद करते हैं, तुम्हें तो हम ही मारेंगे, ज़रा सा ठीक हो जाओ। वारे गालिब तेरे इश्क के फतवे भी निराले हैं, वो देखें तो अदा हम देखें तो गुना। और लोग वाकिफ़ हैं मेरी आदतों से, राबता कम ही सही लाजवाब रखती हूँ। रहते हैं गर्क उनके तसव्वुर में शब और रोज़ साहब, एक दिन हमारी जान मोहब्बत में जाएगी। हम खुद बेचा करते थे कभी दर्दे दिल की दवा, आज वक्त ने हमें ला खड़ा किया हमारी ही दुकान पर। तुझे यकीन क्यों नहीं आता मेरी वफा पर, किस किस को नहीं छोड़ा तुझे पाने की खातिर। कब दोगे निजात हमें रात भर की तन्हाई से, ए इश्क माफ़ कर मेरी अभी उम्र ही क्या है। वही महसूस करते हैं सज़ा दर्द दिल की, जो अपने से ज़्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं। और फिर मान तोड़ने वालों के लिए इतना ही काफ़ी है कि उनको तोहफे में खामोशियाँ दी जाएं। जमाल ये है कि पड़े बार बार उस पे नज़र, कमाल ये है कि रहे फिर भी हसरत दीदार बाकी। जहाँ लोग किसी इंसान के लिए तरस रहे होते हैं, वहीं कुछ लोग उसकी बेकदरी कर रहे होते हैं।